हेलो दोस्तों, शड़ी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत CSBC द्वारा 8415 पदों के लिए नवंबर 2020 में भर्ती निकाला गया। लाखों अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे, फिर इसके एग्जाम 14 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में तथा 21 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। लाखों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए। एग्ज़ाम तो मार्च में ही खत्म हो गया, उसके बाद लोग रिजल्ट के लिए इंतजार करने लगे। जैसे कि मैं बता दूं, पहले के जितने भी रिजल्ट है CSBC द्वारा 3 से 3.5 महीने या मैक्सिमम 4 महीने में घोषित कर दिया जाता था, लेकिन इस बार हद हो गया और 7 महीने भी खत्म होने के बाद भी रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। क्या CSBC का ऐसा मन है कि रिजल्ट घोषित किया जाए, या CSBC बस इस साल को निकालना चाहता है? इस बारे में CSBC का ना तो कोई ऑफिशियल तौर पर जवाब आता है और ना ही कोई पेपर के माध्यम से यह जवाब दिया जाता है कि ये तो भूलकर ऐसे भर्ती निकाल दिया गया, ये तो ऐसे ही भर्ती निकाल दिया गया, इसका कोई बहाली वहाली नहीं करना था। मेरा बात मजाक में मत लीजिएगा, मैं बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बिहार पुलिस रिजल्ट के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें निगेटिव भी फैलाने वाले हैं। कल ट्विटर के लिए कंपेन रखा गया है आपके रिजल्ट के लिए ही, इसमें अभ्यर्थी ही पार्टिसिपेट करेंगे जो रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि CSBC से कोई ऑफिशियली तौर पर जवाब नहीं दिया जा रहा है कि कब आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जो लोग फिजिकल की तैयारी करते हैं वही लोग समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, ठीक। फिजिकल की तैयारी बहुत दिनों से वो लोग कर रहे हैं, बस इस इंतजार में कि जल्दी से रिजल्ट आएगा और फिजिकल का डेट निकलेगा और हम लोग दौड़ने जाएंगे, मतलब गर्दनीबाग पटना में उनका जब रिजल्ट आ जाएगा तभी हम बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग हैं नेगेटिव फैलाते हैं कि नहीं, आप लोग के बनाने से, कैंपेन करने से रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो वो लोग मरे लोग होते हैं, वो जिंदा होते हैं बस शरीर में जिंदा होते हैं, ऐसे मानसिक रूप से वो मर जाते हैं, ठीक। सरकार के पीछे लग्गू होते हैं, सरकार बोलेगा कि तुम कुत्ता हो तो वो भो भो करेंगे, और सरकार बोलेगा कि तुम सियार हो तो वो हुआ हुआ बोलेंगे, जैसे ही आपको सरकार बोलेगा, ठीक। तो उन लोगों के कमेंट में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही उन लोगों का कोई बात मानने की जरूरत है। मैं उन अभ्यर्थियों से बात कर रहा हूँ जो फिजिकल की तैयारी में लग चुके हैं, और जेन्युइन अभ्यर्थी जो रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है। कुछ लोगों को मेरा बात बुरा लगेगा, बुरा लगना भी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। क्योंकि वो लोग होते हैं चमचा, आएंगे बस बोल देंगे कि ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई कुछ तो करो, कहीं ना करने की जगह कुछ तो करो, अपना हक का आवाज़ तो उठाओ कम से कम। आगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपके रिजल्ट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और ये क्यों किया जा रहा है, ये भी आपको जान लीजिएगा। और कर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। काफ़ी लोग बोले कि सर एक वीडियो बनाकर जानकारी दे दीजिए आप भी। यहाँ पर देखिए, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी लोगों द्वारा कॉल भी आया, बोले कि सर एक और वीडियो बनाकर अलर्ट कर दीजिए, क्योंकि अब 12 घंटा आपके पास समय बच चुका है और 12 घंटा बाद आपका धड़ाधड़ ट्यूट आना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक। देखिए ये आपको पूरा डिटेल्स है। देखिए 2 शिफ्ट में 14 मार्च को एग्जाम हुआ है और 21 मार्च को 2 शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में 8415 पदों के लिए एग्जाम हुआ है, ठीक। टोटल 42075 रिजल्ट देना है इस बार, 42075 रिजल्ट देना है, क्योंकि आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। एग्जाम तो पहले ही हो चुका है। एक बात मुझे बताइए, आप खुद ही सोच कर बताइएगा, मैं तो इतना बोलता हूँ, खुद ही सोच कर बताइएगा, 2020 में CSBC द्वारा कितना भर्ती निकाला गया और कितना अभी तक फाइनल किया गया, बस ये सोच कर बताइए। मात्र महिला स्वाभिमान बटालियन ये भी पूर्णता नहीं, वन रक्षक का वैसे ही भर्ती खाली है, वनपाल का वैसे ही, गृह रक्षक सिपाही का वैसे ही, और सिपाही के 8415 का ऐसे ही। इसका अभी तक कुछ लोग, इसका तो रिजल्ट दे दिया गया है, फाइनल नहीं दिया गया है, रिजल्ट दिया गया, और इनका वन रक्षक का, वनपाल का, गृह रक्षा सिपाही का फिजिकल क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर फिजिकल कराने में क्या दिक्कत है, बहुत कम इसमें लोग आपको पास हुए, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, और वन रक्षक वनपाल में तो और भी कम रिजल्ट दिया जाता है, तो इनको तो कम से कम आपको फिजिकल कराकर आपको फाइनल सिलेक्शन दे देना चाहिए, लेकिन इनको भी टाला जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट आपका टाला जा रहा है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 2021 को टाला जा रहा है, और अभी आप चुप बैठ गए ना तो वही वाला हाल होगा जो BSSC 2014 का हाल हुआ। अभी तक लोग इंतजार में है कि कब मेरा फाइनल हो जाएगा, कब ज्वाइनिंग मिल जाएगा, कब हम ड्यूटी करने जाएंगे। और अभी तक समझिए 2 विधानसभा का चुनाव बीत गया और 2 पंचायत के चुनाव बीत गया, अभी भी पंचायत के चुनाव हो रहा है। मजाक में मत लीजिएगा, मैं सीरियस बता रहा हूं। अगर आप दबाव नहीं बनाए तो हर आयोग का यही हाल हो जाएगा जो BSSC का हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC के, आपके यहाँ पर देखिएगा, इसके वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आपको कॉन्टैक्ट दिया है, कॉल कीजिएगा तो बस यही बोलेगा कि आप आते रहिए वेबसाइट पर, देखते रहिए। यहाँ पर पहले एक दिया था कि कितने लोग आ रहे हैं वेबसाइट पर, वो उसे हटा दिया गया है, इनको इतना शर्म आया कि इन्होंने हटा दिया। अब बोलिएगा शर्म क्यों आया, ये सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला वेबसाइट बन गया था पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला, काम नील, काम 0/0 है, लेकिन विजिट कर रहे हैं लड़के, तो ओबीसी से बात है, ऊपर से दबाव बनेगा अगर कोई देखता है तो, या न्यूज़ वाले भी देखते हैं तो जरूर निकालेंगे कि आखिर इतना लड़के पहुंचते हैं यहाँ पर, कुछ तो काम होना चाहिए। वैसे ही आप देखिएगा BSSC पहले जो पुराना वाला वेबसाइट था उसका भी आप देख सकते हैं, वैसे भी वहाँ पर दिया हुआ था और उसे हटा दिया गया, ठीक। तो ऐसे आप देख सकते हैं अलग अलग जो वेबसाइट बार बार अपडेट करते हैं और फिर से हटा देते हैं, तो क्यों हटा देते, काफ़ी प्रेशर में लड़के आखिर जा रहे हैं वेबसाइट पर, उनको कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा है, फिर दोबारा जा रहे हैं, तिबारा जा रहे हैं, और बस कॉल कीजिएगा तो ये जवाब दिया जाता है कि
मुझे इस बारे में नहीं मालूम है, जैसे ही रिजल्ट आएगा ऑफिशियली घोषित कर दिया जाएगा। आखिर कब आएगा? अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसे झांसा दिया जाता है कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको कुछ पता भी नहीं है किस कैटेगरी में रिजल्ट आता है, क्या आता है, कब आता है, उनको कुछ नहीं पता है, बस लड़कों को बहलाने के लिए कि ये आपको टाला जा सके। लेकिन टालना नहीं है, प्रेशर बनाना है, ये आपका हक है। ठीक, परीक्षा दी है तो रिजल्ट मांगना आपका हक है। और रिजल्ट किससे मांगेंगे? जो एग्ज़ाम लिया है, जिसको हम पैसा देकर फॉर्म मतलब भरे हैं, CSBC के भरे, रिजल्ट भी उसी से हम लोग मांगेंगे, सरकार से मांगेंगे अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8415 पदों के लिए 8 अक्टूबर 2021, यानी कि कल की डेट कभी नहीं भूलना है। 12 घंटे में आपका काम शुरू हो जाना चाहिए, 10 बजे दिन से लेकर 5 बजे शाम तक। इतना बौछार कर दीजिए ट्विटर पर, लेकिन आपको ये मत स्पेम में नहीं आना है, मतलब कि बहुत एक ही ट्वीट किसी का कॉपी कर कर नहीं, अपने से एक बार आपको बिहार पुलिस रिजल्ट दो कॉपी कर लीजिएगा और अपने ट्विटर हैंडल से उसे बार बार ट्वीट कीजिएगा। ठीक, एक साथ लगातार ट्वीट करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पूरे जोश से अपने दोस्त हैं जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या जो आपके साथ घूमते हैं, उनको भी बोलिए, बहुत लोग आर्मी की तैयारी करते हैं उनको भी बोलिए, क्योंकि वो भी आपके दोस्त होंगे, उनको भी बोलिए ट्वीट करने के लिए, तभी जाकर 10-10.5 लाख लड़के एग्जाम दिए हैं, अगर 10% भी ट्वीट कर दे रहे हैं ना, तो आपको समझिए कि काम हो गया। कम से कम पहली बार तो दबाव बन रहा है ना, CSBC का जवाब तो दे आकर, और दबाव देगा, इस बात को दिल में एकदम बैठा कर रखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर मैंने आज ट्वीट कर आप लोगों को अलर्ट कर दिया है, और ये मैं उस दिन आपको ट्वीट किया था, तो उस समय आपको अलर्ट कर दिया था जब पिछला वीडियो बनाया था। इन सभी लोगों को आपको टैग भी करना है, जवाब इन्हीं के पास पहुँचाना है, आपको इन सभी लोगों को टैग करना है। ठीक, और मेरे आपको जाकर ट्विटर हैंडल से देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस CSBC ये पूछ रहा है, जब लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि आप लोग जिंदा भी है, हम तो सोचे थे कि ऐसे भर्ती निकाल कर आपका छोड़ दे, कुछ हो नहीं, लेकिन समझिए कि अभी दबाव नहीं बनाएंगे ना, तो फिर हम लोगों से बाद में आप अपेक्षा भी मत कीजिएगा कि आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग साथ मिलकर आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं क्या हूँ, अकेला कुछ नहीं हूँ, आप लोग हैं मेरे साथ, 4 लाख है, तो आप लोग जाकर मेरा बल बढ़ाते हैं, तो मैं इतना बोल पाता हूँ। ठीक, तो आप लोगों का ही काम के लिए हम ये कर रहे हैं, तो आप लोगों से इतना जरूर हम विश्वास रखते हैं कि आप लोग ये काम जरूर कीजिएगा। कल भूलिएगा मत, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको ट्वीट करने रहना है, पॉजिटिव वर्ड में सभी ट्वीट करना है, और उन लोगों को छोड़ दीजिए जो निगेटिव फैलाते हैं, कमेंट बॉक्स में निगेटिव फैलाने दीजिए, उनका काम ही होता है, मैंने बोला ना, वो ऐसे ही जीवित है, उनका आत्मा मर चुका है, मानसिक तौर पर वो पीड़ित होते हैं, उनका निगेटिव बात करना ही होता है। ठीक, ऐसे बहुत से होते हैं, अब खुद ही बताइए, मैं बिहार पुलिस के रिजल्ट के लिए ये सब बना रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग डिसलाइक करेंगे, बहुत से लोग इसमें कमेंट में जाकर गलत बोलेंगे, हमें ही नहीं बहुत से लोगों को गलत बोल रहे हैं कि आप कैसे रिजल्ट के लिए ये कर रहे हैं, ये आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जिंदगी में कहीं कुछ होने वाला नहीं होता है, सिर्फ वो निगेटिव ही फैलाते रह जाते हैं। तो जरूर इसमें इकट्ठा होकर और इकट्ठा होकर बल आपको पूरे बलपूर्वक अगर ये बात उठाते हैं तो जरूर आप सक्सेस होंगे। और वो सभी यूट्यूबर जो कि इस बारे में जागरूक करें अभ्यर्थियों के लिए, उनको बहुत बहुत मेरा सपोर्ट भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि काफ़ी लोग आगे बढ़कर आए हैं और आगे और लोग भी बढ़ चढ़ कर आएंगे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बिहार के। अगर अभी आप नहीं आते हैं तो समझ लीजिए बाद में जब आप बुलाइएगा या बाद में जब आप कोई ये काम रखिएगा तो फिर बाद में भी कोई आने वाला नहीं है, एक बात समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये सभी लोग आइए और लड़कों के लिए आइए, क्योंकि लड़का आप लोगों को बनाया है, टीचर बनाया है, तो लड़कों के लिए आइए, हम लड़के के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं, मैं अपने लिए नहीं रिजल्ट मांग कर रहा हूँ। ठीक, तो आइए सभी लोग ट्वीट कीजिए, बिहार पुलिस रिजल्ट दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ट्वीट करना है आपको, बिहार पुलिस रिजल्ट दो। ठीक, आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।